कॉलेज के टाइम में वो मस्जिद जा सकते हैं शुक्रवार को। कॉलेज को लड़कियों को भी मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत देता है, आजाद देता है, लेकिन मस्जिद में लड़कियां जा नहीं सकती। तो ये क्या कॉलेज की गलती है? इसमें कॉलेज का क्या कसूर कि मस्जिद में लड़कियां नहीं जा सकती? अमान की जा रही है कॉलेज से कि लड़कियों को नमाज पढ़ने के लिए एक अलग कमरा दिया जाए, क्योंकि मस्जिद में सिर्फ मर्द जा सकते हैं। मस्जिद से कोई मांग नहीं कर रहा कि लड़कियों को आने दिया जाए, कॉलेज से मांग कर रहे हैं कि लड़कियों को नमाज पढ़ने के लिए कमरा दिया जाए। और कॉलेज ईसाई कॉलेज, चर्च का कॉलेज नहीं भी होता, तब भी ये क्या लॉजिक है कि क्योंकि लड़कियां मस्जिद में नहीं जा सकती तो उनको नमाज पढ़ने के लिए कॉलेज में कमरा दिया जाए? और ईसाई कॉलेज में ऐसी मांग तो बिल्कुल समझ से परे है कि किस तरह की आजादी की मांग है। अल्पसंख्यकों के संगठन अलग शिक्षण संस्थान चलाते हैं देश को सब चाहते हैं। समझ में नहीं आता कि ईसाई कॉलेज में नमाज के लिए कमरा चाहिए।